जापान के जंगलों में घुसने पर आपको मधुमक्खियों की आवाज सुनाई देगी। जंगल की ये मधुमक्खियां अपने ठिकाने के ठंडे और नरम बाहरी हिस्से के अंदर अपने छत्ते की देखभाल और बच्चों की हिफाजत के लिए 24 घंटे काम करती रहती हैं। गर्मी के महीनों में श्रमिक मधुमक्खियां लगातार छत्ते के लिए शहद बनाती रहती हैं। ये दिन भर पराग जमा करती हैं, फिर छत्ते के सेल्स में शहद उगल देती हैं। ये साथ मिलकर एक फलती फूलती कॉलोनी बनाती है। ये खजाना है जिसे कभी भी कोई लूट सकता है। ये छोटी छोटी मधुमक्खियां दुनिया के सबसे बड़े ततैयों के लिए आसान शिकार हैं। ये जायंट बैम्बू हॉर्नेट 5 सेंटीमीटर लंबे और मधुमक्खियों से 20 गुना भारी होते हैं और ये कुछ ही घंटों में 10,000 मधुमक्खियों को मार सकते हैं। इनकी तो लॉटरी निकल आई है। दुश्मन को अपने बीच पाकर मधुमक्खियों ने जवाबी हमले की योजना बनाई। ये इनके साथ पहली बार नहीं हो रहा है। साथ मिलकर काम करते हुए मधुमक्खियों ने जायंट हॉर्नेट को घेर लिया और ये इसे बार बार काट रही हैं और डंक मार रही हैं। ये एक फेरोमोन छोड़ रही हैं जिससे छत्ते में बाकी मधुमक्खियां सजग होकर हमले के लिए निकल रही हैं। मधुमक्खियों के झुंड ने हॉर्नेट को दबाकर उसके पेट पर मौजूद सांस लेने वाले छेदों को बंद कर दिया। ये अंदर इतनी गर्मी पैदा करना चाहती हैं कि हॉर्नेट उसे न झेल पाए। मधुमक्खियों के इस झुंड के अंदर का तापमान लगभग 47 डिग्री हो गया है और घिरा हुआ हॉर्नेट बहुत तेजी से जैसे झुलस रहा है। आखिरकार हॉर्नेट की मौत हो गई। इसके आकार के 1/5 हिस्से जितनी छोटी मधुमक्खियों ने इसे हरा दिया।